हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल शेलगो। और आज हम बात करने वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल की एग्जैक्ट रिलीज डेट के बारे में, जानेंगे क्या है एग्जैक्ट रिलीज डेट और मुझे कैसे पता चल रही है रिलीज डेट। और इसके अलावा जानेंगे पबजी मोबाइल लाइट के बारे में भी थोड़ी सी बातें, जानेंगे पबजी मोबाइल लाइट के क्या अकाउंट्स का क्या होगा यहाँ पर, और क्या पबजी मोबाइल जो अभी नया आने वाला है वो पबजी मोबाइल लाइट के प्लेयर्स खेल सकेंगे या नहीं, अकाउंट्स आएंगे वापस या नहीं, सभी के बारे में जानकारी करेंगे पूरी। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर PUBG मोबाइल की सबसे पहले रिलीज डेट के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पर आप सभी को ये पता ही होगा कि PUBG मोबाइल रिलीज़ होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यहाँ पर अभी यह रिलीज़ होने वाला है, ये सब तो आपको लगभग पता ही होगा बिकॉज ऑफ हर कोई यहाँ पर वीडियो बना चुका है, न्यूज़ आ चुकी है, यहाँ पर हर एक तरीके से यहाँ पर सभी को पता चल गया है कि यहाँ पर PUBG मोबाइल जल्दी वापस आने वाला है। लेकिन PUBG मोबाइल वापस कब आने वाला है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल रहता है। और एक्चुअली PUBG मोबाइल अब तक आ जाना था लेकिन यहाँ पर डिले हो चुका है PUBG मोबाइल के अब तक आने में। PUBG मोबाइल का एक्चुअल में ओरिजिनली प्लान था कि 13 नवंबर को यहाँ पर आने वाला था टीज़र, और 14 नवंबर को गेम यहाँ पर रिलीज़ होने वाली थी दिवाली के दिन, लेकिन यहाँ पर टीज़र में डिले हो गया यहाँ पर, और 13 की जगह 14 को ही टीज़र आ पाया, और यहाँ पर अभी गेम यहाँ पर 20 तारीख को आने की उम्मीद है। मैं कैसे बोल रहा हूँ यहाँ पर, आप जानते ही होंगे कि बड़े बड़े सभी गेमिंग क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को ये बात पता है कि यहाँ पर गेम कब रिलीज़ होने वाला है। तो आपने देखा ही होगा, अगर आप मैक्सटर्न जो कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़े इंडियन गेमर है उनको आप अगर ट्विटर में फॉलो करते हैं, तो उन्होंने 12 तारीख को एक ट्वीट डाला था कि कल क्या आने वाला है। उन्होंने चार ऑप्शन भी दिए थे यहाँ पर, PUBG मोबाइल ट्रेलर, PUBG मोबाइल टीज़र या PUBG मोबाइल खुद गेम प्ले स्टोर पर आने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के वोट गेम पर थे बिकॉज सभी लोग गेम का इंतजार कर रहे हैं, बट एक्चुअली पहले टीज़र आने वाला था या ट्रेलर भी आप उसको बोल सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं। तो 13 को आने वाला था लेकिन डिले हुआ, और उस वजह से 14 को यहाँ पर ट्रेलर आया या टीज़र आया, जो भी आप उसको बोलना चाहें। तो 14 को आने के बाद ही मैक्सटर्न ने यहाँ पर एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कहा था ना यहाँ पर ट्रेलर आएगा, आप देख सकते हैं ट्वीट्स भी यहाँ पर, स्क्रीनशॉट्स इनके देख सकते हैं आप। और यहाँ पर अभी उन्होंने कल क्या ट्वीट किया, गैस उन्होंने यहाँ पर कल ट्वीट किया कि 20 तारीख को क्या आने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने फिर से ऑप्शन दिए PUBG मोबाइल, PUBG मोबाइल का ट्रेलर या कुछ भी नहीं, और वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 20 तारीख की भी डेट बताई जा रही है, और ऊपर से जो आप सोर्सेस सुन सकते हैं यहाँ पर, उन सोर्सेस में बताया जा रहा है कि 17, 18, 19, 20 के बीच में यहाँ पर PUBG आ सकता है। तो यहाँ पर 20 जो है वो लास्ट डेट बताई जा रही है कि तब तक PUBG आ ही आ जाएगा। और यहाँ पर मैक्सटर्न ने भी बोला है 20 तारीख को क्या आने वाला है। तो यहाँ पर 20 तारीख लास्ट डेट वैसे भी है, तो यहाँ पर 20 तारीख को डेफिनेटली यहाँ PUBG रिलीज़ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि PUBG मोबाइल जो कि इंडिया का वर्जन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 20 तारीख तक। यही थे PUBG मोबाइल के रिलेटेड रिलीज डेट के कुछ अपडेट्स जो कि मैंने आपको बताने थे और यहाँ पर मैंने बता दिए। तो बात कर लेते हैं फिलहाल PUBG मोबाइल लाइट के बारे में। तो यहाँ पर PUBG मोबाइल लाइट में काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि क्या वह वापस आएगा या नहीं आएगा, तो कैसे आएगा, कब आएगा, और यहाँ पर IDs का क्या होगा, यहाँ पर क्या नया PUBG मोबाइल जो कि है उसी में यहाँ पर PUBG मोबाइल लाइट की IDs डाली जाएंगी। ये सब सवाल यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर PUBG मोबाइल जो है उसका साइज बिल्कुल घटा के 610 MB कर दिया गया है, जो कि PUBG मोबाइल लाइट का भी एक्चुअल में साइज था, लगभग इसी साइज में PUBG मोबाइल लाइट आता था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि PUBG मोबाइल लाइट वापस नहीं आने वाला है और PUBG मोबाइल ही अब एक लौता गेम रहेगा टेंसेंट बोल रहा हूँ सॉरी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहाँ पर PUBG कॉरपोरेशन का सिर्फ एक ही गेम रहने वाला है इंडिया में जो कि होगा PUBG मोबाइल। PUBG मोबाइल लाइट यहाँ पर नहीं आने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी से लोग बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर गेम का साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया गया है और एक गेम लाना ही वापस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, और यहाँ पर दो दो गेम लाना तो फिर यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। तो बात करें यहाँ पर PUBG की मोबाइल की IDs जो कि लाइट की IDs हैं, उन IDs का क्या होगा। तो यहाँ पर PUBG मोबाइल लाइट की जो IDs हैं यहाँ पर, उन IDs का अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ अगर आप सोचें कि जो PUBG मोबाइल है जो 600 MB का हो जाएगा तो उसमें यहाँ पर आपकी IDs लाइट वाली भी खुल जाएंगी, तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है बिकॉज PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट एक बिल्कुल ही डिफरेंट गेम है। उनके मैप्स डिफरेंट हैं, उनके आउटफिट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, हालांकि PUBG मोबाइल के ही सेम आउटफिट रहते हैं जो कि PUBG मोबाइल लाइट में आते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहते हैं और यहाँ पर ईजिली कुछ आउटफिट्स मिल जाते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, इसलिए PUBG मोबाइल की ID
एक्चुअली पबजी मोबाइल लाइट की आईडी यहाँ पर ऑफिशियली पबजी में यहाँ पर नहीं आ सकती। तो यही थे फिलहाल आज के अपडेट्स जो कि मैं आपको बताने वाला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कीजिए ऑल पे। मेरे को आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बने रहिए इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। I'm not the only one.